हेलो डियर, आज दुर्ग पूजा है। आप सबको दुर्ग पूजा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी लगभग समय 9:15 हो गया है और मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं उस बेड की स्थिति, यानी पूरा घर इस तरह से बिखरा हुआ है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इनका जो है मॉर्निंग शिफ्ट था, बेटी को भी मैंने बहुत सुलाने का प्रयास किया मालिश करके, इसके चक्कर में भी मुझे लेट हुआ है। मतलब अभी मेरे घर की स्थिति वो है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और पता नहीं ये अरेंज करने में मुझे कितना समय लगेगा। जो भी सामान खरीद के आया है उसी तरह से रखा हुआ है। तो सुबह इनका मॉर्निंग शिफ्ट था, लगभग 6 बजे आँख खुली, क्योंकि रात में भी एक दो बार उठना पड़ता है तो आँख थोड़ा लेट से ही खुल रहा है आजकल। 6 बजे मैं उठी तो झाड़ू लगाया, और झाड़ू डिपली नहीं लगाया है, हल्के से लगाया। इनको चाय बना के दी, इन्होंने कहा कुछ नहीं खाना है, दही चीनी खाएँ और चाय पी लिए। चाय पी के ये निकल गए। फिर बेटे को उठाई, बेटा को ब्रश करने के लिए बोला, पराठा भुंजा बना के उसको लंच दिया, उसको खिलाया, ड्रेसअप किया, क्योंकि वो निकल गए थे, सब कुछ मुझे ही करना पड़ा। उसको भेजने के बाद तब तक मेरी बेटी रोने लगी, इसको मसाज किया, फिटिंग कराया, सोची अब सोएगी, अब सोएगी, बिल्कुल नहीं सो रही है। उसके बाद उसको मैंने जगा ही छोड़ दिया, अब मैं लगूंगी कामों में। तो मतलब जो स्थिति है, सामान भी लगातार आ रहा है शॉपिंग कर करके, कपड़ा वपड़ा छोटा छोटा इतना सामान हो जाता है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो सब एकदम इसी तरह, यहाँ तो मैंने बेड ठीक किया है लेकिन नीचे में जितना कपड़ा था, ये ब्लाउज अभी बनाई हूँ, इस साड़ी में फॉल लगाना है, सब कुछ बिखरा हुआ है। और कपड़ा धोने के लिए भी इतना मशीन पे जमा हो गया है कि आप देख ही रहे हैं। इस सब को अभी मैं अरेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से और फिर शेयर करती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या लिया है। और कल गई थी अकेले, एक बार गई, दोबारा ये बाबू को लेकर के गए, तो थोड़ा परेशानी तो हो ही जाता है, कहीं जाइए आइए बहुत परेशानी हो जाती है डियर। तो अब मैं पहले अपनी स्थिति में आपको पूरा दिखाती हूँ। अभी तो मेरी बेटी लेटी है बेड पे, ये देखिए सोफा पे भी कपड़ा उठा उठा करके इसी तरह बाबू को नहला के जो फेंका है पोछ के, और ये देखिए मेरी बेटी को कैसे चादर कैसे कैसे कर दिया। ये भी बहुत उदमासी करती हैं, ये देखिए। हेलो हेलो, देखिए मैंने क्या किया है, चादर को कैसे कर दिया है, मैं माँ को परेशान करती हूँ, हेल्प नहीं करती हूँ, बोल दो बेटा। ये भी नहीं सोई, चलिए अब इधर देखिएगा, इधर ये देखिए, यहाँ पर ये कटिंग करके मैंने रखा था, ये लाल वाला थोड़ा ब्लाउज सोचा थोड़ा इसका डिजाइन में डालूंगी, लेकिन इसका जो लाइनिंग है वो कम पड़ गया था, तो मैंने लाइनिंग में इसका देखिए ये बॉर्डर में यहाँ पे फेंका हुआ है, कैसे कैसे इसका बॉर्डर निकाल के रखी हूँ, क्योंकि थोड़ा डिजाइन में बनाना है मुझे। और कर्व स्केल मेरा खो गया था तो वो भी मैं कल खरीदने गई थी, यानी कि मशीन से जुड़ा हुआ भी मैंने काफ़ी सामान खरीदा है। तो सब कुछ पहले अरेंज करती हूँ, कहाँ क्या है नहीं है पहले घर को मैं ठीक करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे। आप लोगों से बात करने के बाद मैंने मोबाइल रखा और पहले हर जगह का बेड ठीक किया, हॉल का बेड ठीक किया और इस रूम का बेड ठीक किया, सोफा ठीक किया, और उसके बाद सोचे अब क्या करना है। तो सोचे पहले पोछा कर लेते हैं, झाड़ू पूरे अच्छे से दिया, इतना करते करते मुझे आधा घंटा का समय हो गया, सोचा अब झाड़ू देकर पोछा दे देती हूँ। फिर सोचा कि एक बार ये कपड़ा धो लेती हूँ, सेलेक्ट करके अलग कर लूँगी कौन कौन धोना है कैसे करना है, और मशीन में पानी चला दी। और किचन की स्थिति देख रहे हैं, किचन में भी इसी तरह से भरा हुआ है, सोचा पहले मशीन चला देती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, बाद में पोछा करूँगी इसका। यहाँ पर बेड लगाया था और देखिए यहाँ से बेड को छोड़ के चलते चलते अपने मन को खिटकते खिटकते वहाँ जाके सोइए, ऐसा पीछे जाके गिरने का बहुत डर रहता है, पीछे जाके गिरेगी, अब मुश्किल है, मैं मशीन कैसे चलाऊँ, उड़ जाएगी फिर दिक्कत होगा, और 9:15 बज गया, यानी पूरा बेड वगैरह ठीक करके अच्छे से झाड़ू देने में आधा घंटा का समय लग गया है। अब कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है, किचन मेरा उसी तरह से है, किचन भी एक बार आपको दिखाती हूँ। अब बर्तन भी धोऊँगी तो आवाज़ होगा, मशीन भी चलाऊँगी तो आवाज़ होगा। ये देखिए इस तरह से किचन भरा हुआ है, अब क्या करना है कैसे करना है सोचती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और जो कॉर्नर में ट्रंक है, सारा जो सामान खरीद के लाई हूँ उसी ट्रंक पे अभी रखते जा रही हूँ, फिर उसको बाद में अरेंज करूँगी। यहाँ पर फाइनली मैं नहा कर आ गई हूँ, मैंने पूजा भी कर लिया, पूजा वगैरह करते हुए इसीलिए नहीं दिखाया कि लगभग 10:45 का समय हो गया, मेरी बेटी उठ गई है, वो अपने पक्के समय पर उठ जाती है जब उसको स्नान कराना होता है, लेकिन अभी मैं उसको बिल्कुल नहीं नहलाऊंगी, आज तो उसको लेट होगा, क्योंकि आज जो है ये देखेंगे सारा बर्तन मैंने धोकर लगा दिया, ये जो बेटा को दिया था नाश्ता बनाकर, ये आलू का भुंजिया है और ये फ्रिज में आटा रखा था, तो अभी मैं पराठा भुंजिया दही पहले आराम से भरपेट खाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, पहले हेल्थ इज वेल्थ, बाद में अब मैं बेटी को देखूंगी। और यहाँ पर कुछ सब्जी भी लाए थे रात में,
इसको भी मैंने धो कर रख दिया है, यानी कि कुल मिलाकर सारा काम मैंने फिनिश कर लिया है। और ये घी निकाला है, मैंने बताया था मलाई है उसका घी निकालना है, तो एक बोतल घी निकला है और भी उससे निकलेगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला निकालने का। ये देखेंगे ये इतना निकाला है, इसको मैं लेके घर जाऊँगी क्योंकि मेरा बेटा ये घी बहुत स्वाद लेकर खाता है। उसमें और भी है, उसको बाद में मैं निकालूंगी, छांक कर निकालूंगी। तो अभी तो ड्रायर मैंने इधर ही रखा है, लेकिन इतना काम करते करते आप समझ सकते हैं कि 2 घंटा पौने 2 घंटा हमको लगा है। 9:15 बजे से लगे थे और इतना समय लगा और रेडी हो गई हूँ। अब आज मैंने साड़ी नहीं पहनी क्योंकि बहुत थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा। पहले मैं भरपेट नाश्ता करूँगी, चाय पीऊँगी, फिर मैं किसी काम में लगूँगी और आप लोगों से बात करूँगी, नाश्ता वगैरह करके बेटी का मसाज करूँगी। चलिए डियर मिलती हूँ। अभी लगभग 12:30 हो रहा है और बेटी को मैंने मसाज करके नहला के सुला दिया है। बेटा भी मेरा 1:30 बजे के आसपास आएगा। बहुत सारा कपड़ा धोया, यानी कि लगभग जो मैंने आपको स्थिति दिखाई थी, अब एक ही स्थिति खराब है। कपड़ा सूखते जा रहा है, सोफा पर रखते जा रही हूँ। बाकी चारों तरफ मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, किचन में बिल्कुल साफ सुथरा है। मैंने पराठा भुजिया दही खा लिया है, रोटी आटा मिलाकर रख दिया है। बेटा आएगा फिर मैं कुछ बनाऊँगी, अभी 1 घंटा समय है। तो अभी तो जब मैं बेटी को सुला रही थी तो मुझे लग रहा था मैं भी सो जाऊँ, मुझे इतनी नींद आ रही थी, लेकिन अगर ज़रा सा भी मैं सोऊँगी तो सारा रूटीन मेरा सारा चीज़ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। और यह ब्लाउज भी रेड वाला पूरा करना है, बहुत कुछ सोचा था लेकिन संभव नहीं हो पाया है। अभी देखती हूँ क्या कुछ करना है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ जो लिया था। ये तो सबसे पहले बेटी के लिए नेट मंगाया था, जो मच्छरदानी कहते हैं उसकी ज़रूरत है। जगह में तो दीदी लोग बोल रहे थे कि अब तुम्हारे काम का नहीं होगा, वो पहले से फेंक देगी, और ये सही है, जगह में ये फेंक ही देगी मुझे लगता है, लेकिन सोए में ये काम में आता है। जैसे वो शाम में सो जाती है, रात में जब हम लोग सोते हैं, और वो जो छोटा वाला बेड वाला था उसमें उसके पैर और हाथ में इतना काटा है मच्छर ने, क्योंकि वो ऐसे पैर करके अब सो जाती है, थोड़ा बड़ी हो गई है तो वो काम का नहीं रहा। और बड़ा वाला तो जब सोने जाऊँगी तब लगाती हूँ, शाम में वो सो जाती है, तो इस मच्छरदानी की बहुत आवश्यकता थी। 1 महीना भी चले तो काफ़ी है, तो इसको लिया है, लेकर भी जाना होगा। और ये एक लिया हुआ है, बेबी रेपर लिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा है। मेरे पास 2 था फिर भी मैंने एक ये लिया है, और ये मुझे आया है 650 रुपये का, और ये बिल्कुल सॉफ्ट है, और इसमें रुई वाला है, रुई में इसमें, हालांकि बहुत छोटे बच्चे का है, लेकिन ट्रेन वगैरह से जाऊँगी तो इसके लिए काफ़ी अच्छा है, यूज़फुल है। इसमें इसके सर को डाल के यहाँ इसको मैं बांध भी सकती हूँ, और फिर यहाँ पर जो स्टिच करने का है यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पेस्ट कर सकती हूँ। तो इस तरह से ये 650 में दिया है, सॉफ्ट है, जबकि ये सब मैं घर में बना सकती हूँ, लेकिन सब कुछ संभव नहीं है, कर ही नहीं पाती हूँ। एक ये बेबी के लिए लिया है, क्योंकि जो भी लेती हूँ तो कपड़ा धोना पड़ता है, उसको ये धोऊंगी नहीं, मैं बताती हूँ आपको सोच के, क्योंकि मशीन में फैक्ट्री में तैयार होता है, कैसे होता नहीं। और आजकल इतना एलर्जी हो गया है, स्किन डिजीज हो गया है, कि मैंने बताया था मेरे बेटे का तबीयत खराब है, लेकिन शेयर नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं दुख वाला कोई भी चीज़ शेयर नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन उसके साथ तो वो प्रॉब्लम हो गया था, कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी डियर, इसको यहीं पर स्किप करती हूँ, उसके साथ क्या हुआ था। और बेटा का जो मैंने दिखाया था ड्रेस का, पिछले वीडियो में देखा होगा, मॉल का मैंने शेयर किया था, आप लोगों से पूछा भी था कि कौन सा कलर लूँ, तो आप लोगों से कई लोगों ने कहा था ब्लू अच्छा लग रहा है, तो ब्लू ही लिया है। ये वाला ड्रेस बेटा का लिया है, और बेटा का बहुत सारा ड्रेस लिया है, जैसे कि अलग अलग 2 मॉल से शॉपिंग किया है। ये तो वाइट बनियान मैंने जान कर लिया स्कूल वगैरह जाने के लिए, और वो बेटा का है। और ये जीन्स है, जीन्स भी बेटा का ही है अलग से, उसका 2-3 ड्रेस मैं बोल रही थी कि अब उसका उसको ज़रूरत नहीं है। टी शर्ट वगैरह भी 2-3 लिया है, और मैं अपनी बेटी का दिखा दूँ, ये देखेंगे। ये तो मेरे हस्बैंड लाए हैं अपने मन से, ये सूज मेरे दिमाग भी नहीं था, मैं मॉल गई थी वहाँ पर मैंने देखा था 800-900 का, 1400 का लिली पुट वगैरह का दिखा रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया था, मैंने सोचा था बाद में लूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को याद था, वो लेके आए थे। और ये सब ये भी मेरे बेटे का ही बनियान है, मतलब ये सोचिए कि छोटा बड़ा चीज़ इतना हो जाता है। मैं आपको नीचे करके कैमरा दिखाती हूँ, ये तो शायद मेरे हस्बैंड का है, इतना हो जाता है छोटा बड़ा चीज़ कि कहीं भी आप जाइए, और तभी आप इतना छोटा बड़ा चीज़ आप ले सकते हैं जब आप कहीं जा रहे होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि किस चीज़ की कमी लग रही है, या जो चीज़ है भी
तो भी ये चीज़ एक न्यू होना चाहिए, नहीं तो अगर कहीं लोग जाए नहीं या कोई आपके घर आए नहीं तो फिर आपका जीवन जो है शिथिलता हो जाता है। अच्छा कोई नहीं आ रहा है, जैसे अच्छा आज वो पड़ा है, कल करेंगे परसों करेंगे, लेकिन जैसे आप सुनिएगा आज कोई आने वाला है, जल्दी जल्दी आपके शरीर में मशीन फिट होता है, साफ़ सफाई में लोग लग जाते हैं। या फिर वीडियो ही जो बनाते हैं, जैसे मैं ही वीडियो बनाती हूँ तो अफरा तफरी मचा हुआ घर में तो दिखा नहीं सकती, उसके लिए साफ़ सुथरा होता है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा होना चाहिए जिससे कि इंसान को एक्टिव रहना चाहिए, और जितना आप बिजी रहेंगे उतना आप निगेटिव बातों से दूर रहेंगे। ये सब तो सब चीज़ मेरे हस्बैंड का ही है, ये लिए हैं अपने लिए, वो उनका क्या दिखाना, उनका भी इच्छा आता है, वो अपना अपने पसंद से ही लेते हैं। और ये देखे मेरी बिटिया रानी का लाए हैं मेरे हस्बैंड, ये उसका तो बहुत लाते हैं, बहुत ज़्यादा लाते हैं। और ये कितने का है, ये 419 रुपये का है। ये है मेरी बेटी का एक ड्रेस, और क्या क्या कहाँ कहाँ रखा है कितने में, ये एक वाइप ले लिया है क्योंकि अब निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब समय नहीं है, आज हो गया मंगलवार, स्लिप्स भी सब थैले में ही डाल मैं भी डालते जाती हूँ वो भी, और किसी को यहाँ टाइम नहीं मिलता है बाद में फिर मिलाने का, मिलाना भी है। ये बास्केट देख रहे हैं, इसको भी मैंने लिया है कल, और रेड कलर का मेरे पास था लेकिन वो मेरे बेटा के समय का था, और ये इतना यूजफुल होता है। मैं स्क्वायर वाला लेना चाह रही थी लेकिन बस वही है, ऑनलाइन बहुत परेशानी है, मैं इसको छोड़ कर कल गई थी और वो बोले मेरे पास एक ही है, और बारिश से वो भींगा हुआ था, थोड़ा सा स्क्रेच था, मैंने कहा फ्रेश माल होगा कल मिलेगा। बताइए किसी को इतना समय है एक ही चीज़ के लिए दौड़ना, क्योंकि मुझे सिलाई वगैरह भी करना होता है और संभव ही नहीं है, अगर उनका ऑफ था तो मैं उन पर बच्चा छोड़कर चली गई थी। ये भी ले लिया, जिससे कि जैसे कि इसमें तेल हो गया, रास्ते के लिए टॉवेल हो गया, कुछ खाना पीना हो गया, बाबू का बॉर्न बिटा सब हो गया, इसमें छोटा बड़ा चीज़ बहुत सारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसको भी मैंने एक ले लिया, और एक ड्रेस ये बेटी का लिया है, ये देखिए एक ये लिया है, सब में इसका पैंट लगा हुआ होगा, एक ये लिया है, और पैंट सबका किधर किधर गया, इसका वाइट पैंट किसका है, वाइट शायद इसका है, शायद इसका ब्लू है, इसका पिंक है, इसका ये प्रिंट वाला है, ये है, ये फिर किसका है, ये पता नहीं ये किसका है, ये किस ड्रेस का है। एक दो ड्रेस लगता है वो धो दिए हैं, और ये देखिएगा ये जो मेरे देवर की बेटी है उनके लिए लिया है, ये देखिए क्रीम कलर में है, वो 9 महीने की है, यानी कि मेरे सास के एक्सपायर होने के 2 महीने पहले वो हुई थी और 2 महीने बाद ये हुई है, और उनको एक बेटा है एक बेटी है, मुंबई में वो रहती है, वो नहीं आती है फिलहाल, आगे चल के कभी मैं बताऊंगी तो। और यहाँ पर उनके बेटा के लिए ये लिया है, बेटा 2.5 साल का है, बेटी अभी 9 महीने की है। ये तो अलग ही कर देती हूँ, ये धोना नहीं है, बाकी इन लोगों का तो धोना है। और क्या लिया है अभी इधर मैं ये दिखा देती हूँ, ये देखेंगे, एक ये लाठी लिया है, अष्टमी में हम लोगों में जगाया जाता है, एक कोई एक मैं रख लूँगी, कोई एक देवरानी को दे दूँगी, और बेटी के लिए ये लिया है, हर बार मैं कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ बेटी के लिए। एक्चुअली मैं ये ऑनलाइन देख रही थी, काफ़ी कॉस्टली बता रहा था, और मैं इसको बनाना जानती हूँ, लेकिन ये सारा मटेरियल मैं लेने कर गई थी तो वो भी यही बोले कि वेट करिए आने वाला है, तो मैंने ये बना बनाया ही ले लिया, और एक वाइट कलर का ये ले लिया है लास्टिक, इसमें मैं सेट कर दूँगी, चाहे तो थोड़े देर की बात है, इसको भी लगा के रख सकती हूँ, देखती हूँ क्या कुछ कर पाती हूँ। पर्स भी इसी तरह बास्केट में करके लाए हूँ, इसमें भी इसी तरह से है, और ये तो हाथ में पहनाने वाला मटका जो होता है, हाथ में पहनाने वाला इतना सारा ले लिया है, क्योंकि बार बार मैं जाती नहीं, और ये सब चीज़ वो नहीं लाते हैं, बोलते हैं ये सब मैं नहीं लाऊंगा, इसलिए मैंने एक साथ बहुत सारा ले लिया है। और ये जगाने के लिए है, ये एलेटिन का नील पेंट है, ये अंटा होता है जिसे कम करधन वगैरह बच्चे का बनता है, मेहंदी वहंदी जो भी कॉस्मेटिक है वो सब मैंने ले लिया है, और ये जो है ये मैंने लिया है,
बहुत ही ज़रूरी। इसमें जो एक स्केल है ये मेरा खो गया था, इसके लिए मैं बहुत दूर गई, बोरिंग रोड चौराहा पर गई लेने के लिए, परेशान हो गई थी। ये वाला मेरा खो गया था, मैंने छठी में जो ब्लाउज बनाया उसके बाद वो मेरा कहाँ गायब हो गया पता नहीं। और वो 2 साल पहले 40 रुपये में लिया था, अभी ये 60 रुपये में आया है। लेकिन ये थोड़ा कम, ये प्लास्टिक का होता है, मजबूत तो नहीं है लेकिन इसमें लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ तो है लेकिन ये सही नहीं होता है। जितना दूरी पर 1 इंच लिखा है उतना होता नहीं है। तो ये लिया है, 60 रुपये का आया है। और जो चीज़ था वो चीज़ भी मैंने ले लिया, जैसे कि ये काफ़ी मजबूत में ये इंची टेप है, मेरे पास 3-4 है लेकिन ये मजबूती वाला था। और वैसे दुकान पे गई थी मैं, बोरिंग रोड में एक भगवती कॉम्प्लेक्स करके है, अगर आप लोग पटना के होंगे तो आप लोग जानते होंगे, तो वो थोक में मिलता है और बात काफ़ी बढ़िया सामान मिलता है। फिर उतना दूर जाना छोटे छोटे चीज़ों के लिए संभव नहीं था, इसलिए जो जो मुझे समझ में आया मैंने ले लिया है। और जो लाल ब्लाउज मैंने काट के रखा है, लाल रील मेरे पास नहीं था तो ये अब मैं कन्फ्यूजन में थी, लाल है कि मैरून है, तो मैंने लाल मैरून दोनों ले लिया है। ये सीता है जो कि ब्लाउज में मुझे लगाना है, एक डिजाइन वाला बाजू बनाऊंगी, अब आके बनाऊंगी। और जो लाल वाला ब्लाउज बना रही थी उसके बाजू में ये लाइनिंग घट गया था, क्योंकि वो भी बाजू में डिजाइनर ही बना रही हूँ। ये फैब्रिक ग्लू है, सीता जो लिया है उसमें चिपकाने के लिए, और ये रस्सी लिया हुआ बैग में बांधने के लिए। 10 रुपया मीटर काफ़ी महंगा दिया है, बहुत ज़्यादा महंगा था। और ये पिन, चूँकि ये बड़ा मेरे पास ये भी है लेकिन ये चूँकि बड़ा साइज में है, एक ये भी ले लिया। और ये देखिए स्टिच होल्डर जिसको कहते हैं, यानी कि ये छोटा छोटा पिन होता है, बिनाई में काम देता है। और आप लोगों को पता है मैं बिनती भी हूँ, इसकी मुझे काफ़ी ज़रूरत होती है। कहाँ पर मैंने मुड्ढे को आर्महोल को घटाया, कितना घर घटाया, कहाँ पर गला खोलना है, कितने घर का खोलना है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है ये चैनल अचीवमेंट इन ऑल है और इसमें मैं सब कुछ बिनाई सिलाई हर चीज़ दिखाती हूँ। तो इसीलिए ये सारा चीज़ मैंने छोटा छोटा सामान लिया था। और अब मैंने ये बिखेर तो दिया है, अब मुझे समेटना है। और ये वीडियो लगभग बड़ा ही हो गया है, तो अब मैं क्या करूँगी, सबको पहले ऐसे समेट लूँगी। जो धोने का है उसको मैं साइड कर दूँगी, क्योंकि उनका मॉर्निंग शिफ्ट है, वो आएंगे कुछ, वो भी मदद कर देंगे। अभी तो मैंने बहुत सारा धोया है, बालकनी में सब डालते जा रही हूँ, धूप भी है, हल्का धूप ढकता भी है, निकलता भी है धूप, डालते जा रही हूँ और उठा उठा कर रखते जा रही हूँ सोफ़ा पर। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सोफ़ा पर इस तरह से रखते जा रही हूँ। और ये सूखते, ये किसी समय मैं आराम से इसको रखूँगी सीमेंट कर। और वो जो पिंक वाली नाइटी देख रहे हैं जो मैंने आप अभी सुबह सुबह पहना था, उसको भी धोकर, मतलब अब एक भी कपड़ा नहीं बचा है जो कि मुझे। तो इस तरह से लगभग, अभी भी लगभग ही मैं बोल रही हूँ, 90% शॉपिंग हो चुका है जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो डियर इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और मैंने आज स्कर्ट पर कुर्ती पहनी हुई है, कुर्ती सब भी मैंने एक एक करके निकालना शुरू किया, इसको फिट करूँगी, लेकिन तब फिट करूँगी अब आने के बाद, अब मेरे पास अभी उतना समय नहीं है। तो ये जो मैंने बाजार लगाया है इसको मैं फोल्ड करके रखूँगी, जो धोना है उसको साइड करूँगी। डियर मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, बने रहिएगा इस चैनल के साथ। जो भी चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मैंने अभी अपना कपड़ा शेयर नहीं किया है, मेरा अभी साड़ी नहीं आया है, जैसे आता है आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। देखती हूँ साड़ी लेती हूँ, सूट लेती हूँ, क्या लेती हूँ, तो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल, बने रहिएगा इस चैनल के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।